चलिए आज हम बात करते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन एंड कॉर्टिसोल की। जैसे ही हम रात को सोते हैं, इमीडिएटली लाइट्स हमारी जैसे ही आंखों में आनी बंद हो जाती हैं, हमारा मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। हम बीटा से अल्फा स्टेज में आने लग जाते हैं। बीटा स्टेज वो होती है जो हमारी जागृत अवस्था होती है, और जब जागने से हम सोने की अवस्था में जा रहे होते हैं वो हमारी अल्फा स्टेट होती है। अल्फा से हम थीटा स्टेट में जाते हैं, थीटा से हम डेल्टा स्टेट में जाते हैं, जो गहरी नींद वाली अवस्था होती है। तो जैसे ही लाइट्स हमारी आंखों में आनी बंद हो जाती है, इमीडिएटली मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सारी रात सिक्रेशन होता रहता है, ये केमिकल निकलता रहता है हमारे ब्रेन से, जब तक कि सुबह की लाइट्स हमारी आंखों में नहीं पड़ती हैं। जैसे ही सुबह की लाइट्स हमारी आंखों में पड़ती हैं, इमीडिएटली सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन 95% हमारे पेट में होता है, 5% हमारे ब्रेन में होता है, और ये हमेशा जागने की अवस्था में इसका सिक्रेशन होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का एक एंटी है, एक अपोजिट है, एक दुश्मन है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे एड्रीनल ग्लैंड पर होता है, दोनों किडनीज के ऊपर होता है। कॉर्टिसोल हमारा हार्मोन तब सिक्रेशन होता है जब हमारे माइंड में कोई इश्यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, उसी समय हमारा कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मेलाटोनिन का लेवल घटना स्टार्ट हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मेलाटोनिन डाउन होगा। मेलाटोनिन तभी बढ़ता है जब हमारा कॉर्टिसोल डाउन होता है, माइंड में इश्यूज नहीं होते, प्रॉब्लम नहीं होती, टेंशन नहीं होती। मेलाटोनिन हार्मोन जो है हमारे डीएनए को रिपेयर करता है। हमारी जो गलत सोच की वजह से हमारा डीएनए सारा खराब हो चुका है, उसे रिपेयर करता है। सेल जो हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो हमारा ट्यूमर जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में आ रहा है, ट्यूमर में सेल मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, सेल मल्टीप्लाई के लिए रोकता है, इम्यूनिटी को डिसिप्लिन में रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथन करता है, बूस्टअप करता है। प्लस ये एंटी एजिंग है, ज़बरदस्त एंटी एजिंग है। कहते हैं ना, कई बार आपने कहते हुए सुना होगा, आपको देखकर आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। रीजन बीइंग, ये एंटी एजिंग है। उनका मेलाटोनिन हार्मोन बहुत अच्छा सीक्रेट होता है। तो आज से हम अपना मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कैसे करेंगे? हमेशा जब भी आपको सोना है, रात को लाइट्स ऑफ करके डार्क रूम में सोना है, और सोते हुए आपको अपने थर्ड आई पर फोकस करना है जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। आज से हम सब अपना पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन हार्मोन का सीक्रेशन करेंगे टू बी ऑलवेज हेल्थी, फिट एंड फाइन।